हाय गाइज, माई सेल्फ डॉक्टर सतीश शुक्ला। टुडे आई विल डिस्कस प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। कुछ बच्चों की डिमांड आई, यूट्यूब में देखा, बच्चों ने कहा कि सर प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर अबव एंड बिलो वाला नहीं कराया, तो मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग एंजॉय करिएगा। प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, फर्स्ट अबव द हॉरिजॉन्टल, ध्यान देना, वेरी इजी, दो लाइन है केवल समझने की। ये हमारे पास टावर है, हाइट ऑफ टावर इज एच। हमने यहां से थ्रो किया किसी ऑब्जेक्ट को अबव विद हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल अबव हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, दिस इज द टावर। इसके टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अबव द हॉरिजॉन्टल, तो दिस विल बी द पाथ ऑफ पार्टिकल दैट इज लैंडिंग पॉइंट। दिस इज द पाथ ऑफ पार्टिकल दैट इज लैंडिंग पॉइंट ग्राउंड। अब आप ये देखिएगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, u sin थीटा। ux इक्वल टू u cos थीटा, u y इक्वल टू u sin थीटा। ax आपका जीरो है और ay आपका माइनस j। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, ये हमने पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले लिए, ठीक है ना। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, वी कैन फाइंड, ये आपका वी हो गया, तो ये आपका वी एक्स हो गया और ये आपका वी वाई हो गया, तो वी इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई। ठीक है, दैट इज वी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड वी वाई कितना होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो होगा, और यू वाई कितना है, यू वाई यू साइन थीटा। तो वी वाई और वी एक्स ये वैल्यू अगर हम इसमें पुटअप कर लें तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ जाएगी ना, कोई दिक्कत। सो we will get, ठीक है, अब इस पॉइंट पर x और y, ये आपका y हो गया, दिस इज द y वर्टिकल पोजिशन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजिशन x, दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजिशन x, दिस इज वर्टिकल पोजिशन y। नाउ x इक्वल टू क्या होगा, u cos थीटा t, एंड y कितना होगा, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दैट इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वर्टिकल पोजिशन एंड हॉरिजॉन्टल पोजिशन। यू कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट टू, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट s। नाउ s कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x प्लस y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे। इससे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ नहीं करना, सारा चीज़ें हो गई हैं प्लेन प्रोजेक्टाइल में, वही सारी चीज़ें अप्लाई होनी है। यहाँ पर क्या है कि जब हम टावर से थ्रो कर रहे हैं, वहाँ क्या था कि हम ग्राउंड से ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या होगा,
यहां से यहां तक का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन y इक्वल टू, इसमें साइन कन्वेंशन आप ध्यान रखिएगा, दैट इज अ डाउनवर्ड माइनस, y आपका डाउनवर्ड है ना, तो माइनस y इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब y टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का है ना, तो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, दैट इज माइनस एच हियर। यू वाई क्या है, दैट इज अलॉन्ग पॉजिटिव y, साइन कन्वेंशन दिस इज डाउनवर्ड हमने निगेटिव लिया है और अपवर्ड आपका पॉजिटिव है, तो माइनस एच इक्वल टू यू वाई कितना है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड रेंज, दिस इज द रेंज r, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू को यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स क्या है यू कॉस थीटा टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो वो टाइम यहां लेंगे, दैट इज आर, दिस इज रेंज हो गया। अब आपको वेलोसिटी अगर फाइंड करना है, वाई वर्टिकल पोजिशन गिवन है तो कितना होगा, थर्ड इन टर्म्स ऑफ वाई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर वर्टिकल पोजिशन गिवन हो तो कितनी वेलोसिटी होगी, कैसे फाइंड करेंगे, तो वी एक्स इक्वल टू कितना है, दैट इज यू कॉस थीटा, एंड वी वाई कितना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यही तो होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as v square equal to u square plus twice as, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, यू वाई कितना है u square sin square theta, ए वाई कितना है g, और y कितना है डाउनवर्ड है ना, तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर ये y गिवन हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एक तो वेलोसिटी यहां से यहां तक का टाइम गिवन हो तो हम फाइंड कर लेंगे, ये बताया था इन टर्म्स ऑफ टाइम, और अगर वर्टिकल पोजिशन गिवेन हो तो कैसे फाइंड करेंगे, वो ये है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी वाई, सो वी कितना होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, वी एक्स वी वाई की वैल्यू पुट अप कर लो, स्क्वायर इसका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी वाई, दैट इज यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई, ये आपकी वेलोसिटी हो गई। ये वेलोसिटी कहाँ पर है, जब आपका वर्टिकल पोजिशन वाई गिवन हो, ठीक है ना। अब अगर ये वाई की जगह एच लेना हो, मीन्स लैंडिंग पॉइंट पे, तो एट लैंडिंग पॉइंट वी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, ये आपका लैंडिंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आया, इस पॉइंट पर अगर टाइम गिवन है तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी वो मैंने बता दी, ये यहाँ से, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बता दिया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बता दिया, ठीक है, रेंज बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना, लैंडिंग पॉइंट और पोल तक की जो डिस्टेंस है, फिर मैंने अगर वर्टिकल पोजीशन गिवन हो तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आप एक बार वीडियो वो देखिएगा और समझिएगा। ये तो अबव के लिए हो गया, अब बिलो के लिए सेकेंड,
ये आपका टावर है बिलो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमने लैंड थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया तो पार्टिकल हमारा इस प्रकार से जाके लैंड करेगा बिलो द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड वेलोसिटी इज यू, हाइट ऑफ टावर इज एच, दैट इज द लैंडिंग पॉइंट। अब हमें सारी क्वांटिटी वही फाइंड करना है, थोड़ा ध्यान देना है, इस वेलोसिटी को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये आपको कंपोनेंट मिला यू कॉस थीटा और ये कंपोनेंट मिला यू साइन थीटा, सो यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, ए एक्स ए वाई वही है, ए एक्स आपका जीरो एंड ए वाई इक्वल टू माइनस थ्री, सिंपल सा साइन कन्वेंशन भी यूज किया है और ये क्वांटिटी आपको ध्यान देना है। अबव के लिए आपका यू साइन थीटा पॉजिटिव था और बिलो के लिए यू साइन थीटा नेगेटिव है एंड रेस्ट ऑल थिंग्स इज सेम। ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट ले लें, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले लें, यहाँ पर वेलोसिटी वी ले लें, ठीक है ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ओ, टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए इज टी, ठीक है ना, फिर वही वी इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई, तो वी कितना होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना, हियर वी एक्स कितना होगा, हियर वी एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड वी वाई इक्वल टू क्या होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, दैट इज माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, दैट इज द वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड, यू साइन थीटा डाउनवर्ड, जी वी डाउनवर्ड, टी वी। तो अगर ओवरऑल हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यू साइन थीटा प्लस जी टी एंड दिस निगेटिव साइन शोज वी वाई इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ वी वाई इज ऑल्सो डाउनवर्ड, ये आपका वी एक्स हो गया। तो वी एक्स वी वाई की वैल्यू आप पुटअप करके सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम निकल वेलोसिटी निकल आएगी एंड एक्स इक्वल टू क्या होगा यू कॉस थीटा टी, वाई होगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या होगा, इधर देखिए साइन कन्वेंशन, ये माइनस वाई हो गया, ये माइनस, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई क्या है माइनस वाई डाउनवर्ड है, यू वाई क्या है माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई क्या है माइनस जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यानी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका वर्टिकल पोजिशन हो गया, ये आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गई, ठीक है ना। अब आपको डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना तो भी निकाल सकते हो, उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, सो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आपकी आ गई, ये हम पुटअप करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट बी टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इन वर्टिकल मोशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक का जो टाइम होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाई कितना हो जाएगा, दैट इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच, एच इक्वल टू माइनस दैट इज माइनस टू डाउनवर्ड यू माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे आप इसको आप सॉल्व करिएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका मिल जाएगा। रेंज
दिस इज द रेंज आर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. ए एक्स आपका जीरो है तो एक्स इक्वल टू आर यू कॉस थीटा इंटू टी. ठीक है. वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल पोजीशन. अगर वर्टिकल पोजीशन गिवन हो तो वही है वी एक्स इक्वल टू कितना है यू कॉस थीटा. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी आई वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई वाई. वी वाई स्क्वायर कितना मिलेगा यू वाई आपका यू साइन थीटा. प्लस ट्वाइस जी एच एट लैंडिंग पॉइंट. ये वैल्यू जो आप पुट अप कर लो इसमें v कितना हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आपको मिलेगा यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच. ठीक है ना. एट लैंडिंग पॉइंट कर लो. एट लैंडिंग पॉइंट कोई दिक्कत नहीं. आपका h है अगर आपका ये h पूरा है नहीं यहाँ लैंड कर रहे हो तो h हो गया. अगर यहाँ हो तो आपका y हो जाएगा h की जगह. दैट इज द इन केस ऑफ वर्टिकल पोजिशन. तो मुझे लगता है कि हो गया आज. और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ वीडियो आप उसको देख सकते हैं. ऑलमोस्ट प्लेन प्रोजेक्टाइल मैंने कंप्लीट करा दिया है. प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर भी कंप्लीट करा दिया है. अब आपका इंक्लाइन प्लेन का बचता है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं जो रिलेटिव मोशन से भी रिलेटेड हैं. वो अभी कराया नहीं गया होगा. जब वो करा दिया जाएगा बेसिक आपके स्कूल वगैरह में तो मैं उसको भी करा दूंगा या रिलेटिव मोशन के बाद कराऊंगा. ठीक है बच्चों. देखिए समझिए ईयरफोन लगा के ही अच्छे से समझिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा शेयर करना मत भूलिएगा. ठीक बाय बाय.